नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से का 11वां दिन है। सोमवार को लोकसभा में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन हंगामे की वजह से प्रस्ताव सदन में नहीं रखा जा सका। योगी सरकार के एक साल पूरे होने पर सोमवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया। बिहार के चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इस मामले में फैसले को दो बार टाला जा चुका है। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के 6 मामले दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ने के बाद एक तरफ जहां तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, वहीं दूसरी तरफ टीडीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्यों को संबोधित किया। भागलपुर के नाथनगर थाने में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अर्जित शाश्वत पर लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। जैनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जैनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।